यहाँ बैठूँ और एक थॉट क्रिएट करूँ, ये ऐसे क्यों बैठे हैं? अब वो बहन फ़ोन पे काम कर रही है, इधर सामने बैठ कर, कोई बात नहीं आप करो, नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट है वो कर रही है जो उसको राइट लग रहा है। अगर मुझे कहना है तो मुझे उनको कहना है, और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो मैंने बार बार कहना है, रोज़ कहना है, लेकिन रोज़ राय देते हुए भी ये याद रखना है, यहाँ से राय दे दो लेकिन यहाँ दाग नहीं लगना चाहिए। दाग क्या होगा? अब वो फ़ोन पे काम कर रही है, दाग ये होगा, ये ऐसे कैसे कर सकती है, एक दाग। दूसरा दाग, सुबह सुबह उठ के यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि सुबह सुबह सामने बैठ के फ़ोन पे काम करना है। दूसरा दाग। तीसरा दाग, फ़ोन पे करना है तो पीछे बैठो, आगे क्यों बैठे हुए हो? एंड एक बार ये दाग की वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो दो तीन चार दाग नहीं रहते हैं, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड क्योंकि हम अपने उस थॉट को जस्टिफाई करते हैं, भाई वो गलत कर रहा था, हाँ वो कर रहा था, वो गलत कर रहा था, वो अपने साथ गलत कर रहा था, मैं ऐसा दाग बनाकर अपने साथ गलत कर रही हूं। और फिर भी हमें राय देनी है उन सबको, हमें सबको राय देनी है, हम सबको शिक्षा दे सकते हैं, हम सबको एडवाइस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, चॉइस है, ऑप्शन है। लेकिन इतने लोगों को राय देते देते हर एक के कर्मों को अपने ऊपर दाग तो नहीं बना के रख सकते, क्योंकि ये दाग आते गए, वो वाइट वाइट नहीं रहा, उसके ऊपर इतने दाग दाग आते गए, इसलिए हम कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, वो तो हमारा इनेट संस्कार है, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गए? सो ये वाइट कलर इनेट है, लेकिन इसके पास गए इसका दाग लिया, उसके पास गए उसका दाग लिया, और कुछ नहीं तो बैठ के टीवी देखा, उनके बारे में सोचा तो उनका भी दाग लिया। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अटैचमेंट नॉर्मल है या डिटैचमेंट नॉर्मल है? अटैचमेंट नॉर्मल है, डिटैचमेंट नॉर्मल है। तो आज से ये वर्ड फैमिली को नहीं बोलना, आई एम वेरी अटैच टू यू, जितनी बार बोलेंगे अटैचमेंट क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। हमें उस शब्द को बोल के बोल के बोल के उस संस्कार को क्या करते जाते हैं, रीअफर्म करते हैं। यू कैन से आई लव यू, डोंट से आई एम अटैच टू यू। दो बातों में बिल्कुल फर्क है। अगर वो दो शब्द हैं तो उनका दो मीनिंग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मोह तो कौन सी लिस्ट में चला गया है? विकारों की लिस्ट में गया है। पांच विकार में एक विकार मोह है, और वो भी टुवर्ड्स द एंड का है, मतलब द टफर चैप्टर है। और हम उसको बार बार बोलते हैं, आई एम सो अटैच्ड टू यू, आई एम सो अटैच्ड टू यू, बोल बोल के क्या करते रहते हैं, अपनी शक्ति को घटाते जाते हैं। तो प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है? प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क होगा? पहले तो चेक करो, हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं या अटैचमेंट है? सी द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, क्या फर्क है? प्यार कैसे होता है पता है? प्यार ऐसे होता है। और अटैचमेंट कैसी होती है? जब कोई शरीर भी छोड़कर जाता है तो पीछे वाले ये नहीं सोच रहे वो कहाँ गया, कहते मेरा क्या होगा। हाँ अटैचमेंट है ना, देयर ऑल्सो आई एम थिंकिंग मेरा क्या होगा, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट देम। द अदर डे आई वाज मीटिंग अ मदर, हर सन इज लेफ्ट, अर्ली है जय, तो मैंने कहा बार बार हर रोज ऐसा रोगे तो उस तक कौन सी थॉट्स जाएगी, कौन सी एनर्जी जा रही है? बोलती उसको क्या, वो तो आगे मौज कर रहा होगा, मेरा क्या। तो हम उतना सोच नहीं पा रहे आगे का, क्योंकि हम जीवन भर अटैच्ड 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 बोले तो जाते हुए कैसे डिटैच हो जाएंगे, कैसे डिटैच हो जाएंगे? ना खुद जाते हुए डिटैच होंगे, ना किसी और को जाते हुए डिटैच हो पाएंगे। तो इसलिए आज से एक वर्ड को चेंज करते हैं, हम परिवार से प्यार करते हैं, अटैचमेंट नहीं। साक्षी दृष्टा, डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उनके ऊपर निर्भर नहीं, अटैच्ड नहीं। ऐसे इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मेरी मन की स्थिति उनके बिहेवियर से अटैच्ड नहीं। मतलब अगेन वो बहन उधर बैठी है, उनसे बात करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको यहां नहीं रहने देंगे। जो जो आपके यहां रहता है उससे आप अटैच्ड है, जो जो आपके साथ यहां रहता है वो प्यार है, यहां नहीं रहना चाहिए।